नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और हमें आर्थिक रूप से सहायता करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक करें। आज मैं आपके समक्ष एक स्तब्ध कर देने वाला रहस्य उद्घाटन करने जा रहा हूँ UCC के हवाले से। जी हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके विरोध में सारा अशराफ मुल्ला मौलाना वर्ग जो है वो बुरी तरह से आंदोलित है और उनका जो मुख्य तर्क है वो ये कह रहे हैं कि साहब कि ये जो है हमारे लिए जो सुविधा प्रदान की गई है, शरीयत एक्ट 1937 में बनाया गया है, उसमें हमें पूरा अधिकार है कि हम अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से करें उसको, इसलिए परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कॉन्शंस है, हमें धार्मिक स्वतंत्रता है और पर्सनल लॉ जो है वो हमारे धर्म का अभिन्न अंग है और शरीयत के मुताबिक है, शरीयत में परिवर्तन नहीं हो सकता। इसके बारे में आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि 23 नवंबर 1948 को जो संविधान सभा में जो बहस हुई थी उसमें इस तर्क को डॉक्टर अंबेडकर ने तार तार कर दिया था और ये कहा था कि भाई 1937 से पहले तक तो सब जगह हिंदू लॉ ही चलता था ना, यहाँ तक कि केरला में तो जो मैट्रियार्कल मातृसत्तात्मक लॉ था, जो कानून था जो महिलाओं की तौर चलता था, जिसे मारुमत्तकयम बोलते हैं, वो चलता था। तो 1937 तक तुम्हारी शरीयत कहाँ थी? सारे लोग जो थे वो हिंदू लॉ के हिसाब से चलते थे। अब ये कह रहे हैं कि साहब कि शरीयत के मुताबिक, शरीयत एक्ट के मुताबिक साहब ऐसा नहीं है, शरीयत एक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मैं आज के समक्ष आपके समक्ष ये रहस्य उद्घाटन करने जा रहा हूँ कि न केवल शरीयत एक्ट में अपितु उसके बाद एक 1947 में मुस्लिम मैरिज रेजोल्यूशन एक्ट लाया गया था, ये दोनों शरीयत के विरुद्ध बने हुए हैं। और क्यों बने हुए हैं? केवल इसलिए क्योंकि जिन्ना और ब्रिटिश में दुरभिसंधि थी और नेहरू जो थे वो गुलाम थे। किसके? ब्रिटिश के। जिन्ना 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो इलेक्शन हुए थे 1936 में, उसमें बुरी तरह से हारे थे, यानी उसकी मुस्लिम लीग को कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई समर्थन नहीं मिला था। और यहाँ तक कि पंजाब और बंगाल में जो कि बाद में विभाजित हुए 1946 के इलेक्शन के बाद में, वहाँ भी मुस्लिम लीग को कोई समर्थन नहीं मिला। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी जीती थी जो कि मुस्लिम ज़मींदारों की और सिखों की एक मिलीजुली पार्टी थी, सिख ज़मींदारों की। और बंगाल में एक प्रजा कृषक पार्टी थी, वो भी मुस्लिम ज़मींदार उसमें काफ़ी हुआ करते थे, वो जीती थी। यानी जो लोकल मुस्लिम लीडरशिप थी वो थी, मुस्लिम लीग का कहीं अता पता नहीं था। तो अब रहस्य उद्घाटन क्या है कि भाई जिन्ना ने ये कहा कि हमारे लिए ये अलग एक्ट बना दो तो हमें इसको सेपरेट करने में और ये सेपरेटिस्ट फीलिंग जो है वो बनाने में, हिंदू मुस्लिम करने में आसानी होगी, जो उन्होंने किया। ये रहस्योद्घाटन सर्वप्रथम किया है श्री एस गुरुमूर्ति ने न्यू इंडियन एक्सप्रेस में, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा या आप डिस्क्रिप्शन में उस आर्टिकल का लिंक देख लीजिएगा। लेकिन जो दूसरी बात है मुख्य है कि यही शरीयत एक्ट के जो प्रावधान है, जो मैं बहुत बार से कहता आ रहा हूँ, और वो जो दूसरा एक्ट है वो मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट है। पहले मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट की बात कर लें। शरीयत का प्रावधान ये है कि मान लीजिए कोई मुस्लिम जो है वो शादी कर ले किसी, मुस्लिम जो है वो यदि धर्म छोड़ दे तो उसका जो निकाह है वो अपने आप ख़त्म हो जाता है। ये शरीयत का प्रावधान है। तो भाई ये बताइए कि मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट क्या है? वो इसका ठीक उल्टा कहता है कि यदि कोई अपना धर्म परिवर्तन भी कर दे तब भी उसका निकाह तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक कि उसको काजी जो है वो प्रोनाउंस नहीं कर दे। यानी एक कोई मुस्लिम अथॉरिटी जो है
वो जब तक उस निकाह को खारिज नहीं कर दे तब तक नहीं होगा, यानी कि आप पूरी तरह से शरीयत के ख़िलाफ़ जाके यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उस समय जो था वो बहुत सारी ऐसी संभ्रांत जो मुस्लिम महिलाएं थीं वो इन लोगों के चक्करों से निकलने के लिए उनको चाहिए होता था खुला, जिसका प्रावधान होता है खुला का मुस्लिम लॉ में यानी कि शरीयत में, उनको खुला देते नहीं थे कि खुला भी जो है वो काजी इत्यादि ही देंगे, तो वो खुला नहीं मिलता था। तो वो क्या करती थी कि वो धर्म परिवर्तन करके क्रिश्चियन बन जाती थी और क्रिश्चियन बन के वो निकाह से मुक्त हो जाती थी। तो इसको रोकने के लिए इन्होंने ये शरीयत के विरुद्ध ये प्रावधान किया। लेकिन ये तो कम है, आइए देखते हैं हम जो शरीयत एक्ट 1937 है जिसके दम पर ये सारे के सारे ये दम भर रहे हैं कि नहीं इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसमें जो पूरा का पूरा इनका जो ज़मींदार क्लास था उसने जो महिलाओं को दबाने के लिए जो सारे प्रावधान थे वो तो करवा लिए, लेकिन जो लैंड से संबंधित प्रावधान थे उसको अलग कर लिया। पढ़ के सुनाऊँ? पढ़ के सुनाता हूँ। इसका सेक्शन 2 है, एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल लॉ टू मुस्लिम्स। ये कहता है, नॉट विथस्टैंडिंग एनी कस्टम और यूजेज टू दी कॉन्ट्रेरी इन ऑल क्वेश्चंस। अब ब्रैकेट में क्या है, इसके बाद ब्रैकेट में आता है, सेव क्वेश्चंस रिलेटिंग टू एग्रीकल्चरल लैंड, यानी जमींदारों की सारी जमीन फ्री। जमीन केवल और केवल जो शहरी ज़मीन है उसको उसने ले लिया, लेकिन उसको भी अलग करने का रास्ता वहाँ भी निकाल लिया। वो भी आपको बताता हूँ, क्योंकि शरीयत में तो ये है कि भाई आप जो है किसी भी तरह की वसीयत नहीं कर सकते, अलावा आप केवल आप एक तरह की वसीयत कर सकते हैं कि यदि आपको किसी चैरिटी को वक्फ इत्यादि को देना हो तो आप उसमें वसीयत में कर सकते हैं, आप अपने किसी उत्तराधिकारी के लिए वसीयत नहीं कर सकते। ये कहती है शरीयत। आप लोगों ने क्या किया कि ये जो सेक्शन 2 है इसमें क्या क्या लिखा, इंटेस्टेट सक्सेशन, यानी यदि कोई बिना वसीयत के मर जाए तो पर्सनल लॉ लागू होगा, यानी शरीयत लागू होगी। फिर सारे जितने भी महिलाओं के थे वो सारे प्रावधान कर दिए, स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ फीमेल्स इंक्लूडिंग पर्सनल प्रॉपर्टी इनहेरिटेड और ऑब्टेन अंडर कॉन्ट्रैक्ट और गिफ्ट और एनी अदर प्रोविजन ऑफ पर्सनल लॉ, मैरिज डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, और ये डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाद में 1939 एक्ट ले आए इसको ओवरराइड करने के लिए, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, इंक्लूडिंग तलाक इला जिहर लेन खुला मुबर्रत मेंटेनेंस, ठीक है ना, मेंटेनेंस नहीं देनी पड़े इद्दत के बाद इसलिए। फिर डावर, गार्जियनशिप, महिला अपने बच्चे की गार्जियनशिप ना ले पाए तलाक के बाद इसलिए गार्जियनशिप, ट्रस्ट गिफ्ट्स ट्रस्ट एंड ट्रस्ट प्रॉपर्टीज ये यहाँ लिख दिया, फिर एंड वक्फ अदर देन चैरिटीज चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, यानी जो दूसरा इंडियन ट्रस्ट एक्ट और दूसरे जो आपके जो है वो अलग अलग स्टेट के जो ट्रस्ट एक्ट हैं और चैरिटीज़ हैं जैसे कि कंपनीज एक्ट में है वो इससे एक्सक्लूडेड है। तो जो धनी लोग हैं वो उधर कर सकते हैं, अपने अलग से ट्रस्ट बना सकते हैं, चैरिटी बना सकते हैं। उसमें बाद में इन्होंने वक्फ एक्ट में अभी 2013 में कुछ पंगे डाले तो वो खैर एक अलग टॉपिक हो जाएगा, उस पर अभी नहीं आता मैं। अब यहाँ तक तो हो गया, लेकिन चालाकी देखिए आप इसमें क्या नहीं किया इन्होंने, इन्होंने इसके अंदर वसीयत नहीं डाली, विल्स नहीं डाली, इसके अंदर अडॉप्शन नहीं डाला। जी हाँ, अडॉप्शन जो है गोद लेना जो है वो शरीयत के मुताबिक हराम है, सीधा कुरान में लिखा हुआ है हराम है, लेकिन इसमें सेक्शन 2 में नहीं डाला, वसीयत इसमें नहीं डाली।
कहने का मतलब एग्रीकल्चर लैंड तो वैसे आपने एक्सक्लूड कर दी, और जो बाकी अर्बन प्रॉपर्टी थी उसमें आपने प्रावधान कर दिया वसीयत का, और वसीयत और साथ में अगर नहीं भी हो तो अडॉप्शन का भी प्रावधान कर दिया, जिससे जितने भी बड़े लोग हैं वो अडॉप्ट भी कर सकते हैं, विल भी कर सके और अपनी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी भी सेफ रख कर सके, और बाकी जो लोग सारे हिंदू लॉ के हिसाब से चलते थे उनको सबको ये पाबंद कर दिया कि नहीं, अब तुम हिंदू लॉ के हिसाब से नहीं चलोगे, तुम शरीयत के हिसाब से चलोगे, यानी कि पूरी तरह से कब्जे में ले लिया जो भारतीय मुस्लिम समाज था। जिन्ना ने इसके ठीक 2 साल बाद अपनी जो प्रॉपर्टी है उसकी 2.5 एकड़ का बंगला और पता नहीं कितनी अरबों की प्रॉपर्टी थी वो उसने वसीयत करके अपनी बहन के नाम लिख दी। क्यों? क्योंकि उसकी बेटी ने, जो इस पर्सनल लॉ के हिसाब से उसकी वारिस होती, उसकी बेटी ने क्या किया, एक पारसी से शादी कर ली। अपनी बेटी को डिसनेरिट करने के लिए इस जिन्ना ने बाकी जो आम जनता थी उसके लिए तो ये बनवा दिया। आम जनता का क्या था, देखिए उस समय क्या होता था कि उस समय हिंदू लॉ चलता था, हिंदू लॉ में ये था कि महिला को पिता के प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं मिलते थे। ये बाद में जब हिंदू कोर्ट बिल आया तो वो चेंज हुआ, वो अलग बात है। 2005 में तो पूरी तरह से बराबर अधिकार हो गए और किसी ने प्रोटेस्ट भी नहीं किया। हमारे यहाँ तो आप जानते हैं सुधार का लगातार एक निरंतर क्रम चलता रहता है। तो यहाँ क्या होता है आगे, जिन्ना ने ये जो काम किया वो तो किया, जो बाकी जो ज़मींदार थे उन्होंने भी यही रास्ता अपना लिया। जो आम जनता थी, जो हिंदू लॉ के हिसाब से चलती थी और जो अपने पुत्रों में अपनी भूमि का वितरण करती थी, उसको शरीयत के हिसाब से चलने का हुक्म दे दिया गया। शरीयत के हिसाब से चलने का हुक्म का मतलब ये हुआ कि वो प्रॉपर्टी केवल उसके बच्चों में नहीं जाएगी। यहाँ तो पुरानी परंपरा है, अपने बच्चों में ही सब सारी प्रॉपर्टी देते, वो बच्चों में नहीं जाके भाइयों में जाएगी, दादा में जाएगी, चाचा में जाएगी, फूफा में जाएगी, पता नहीं किस में जाएगी। इस बहाने मुल्ला मौलाना अशराफ वर्ग जो AMM क्लास है उसने पूरी तरह से गर्दन पकड़ ली जो यहाँ का जो आम पसमानदा मुसलमान था, और आज उसको ये घुट्टी दे रहे हैं क्या कि अगर इसमें परिवर्तन हुआ तो भाई शरीयत के ख़िलाफ़ होगा। भाई शरीयत के ख़िलाफ़ तो तुम्हारा शरीयत एक्ट है जो तुमने खुद ने बनवाया, शरीयत के ख़िलाफ़ तो जो मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट है जो तुमने खुद ने बनवाया, तुम्हारे मौलाना ने बनवाया। जहाँ आम समाज पर कब्ज़ा करना हो वहाँ तो झूठ बोल के कुछ भी कर लो, लेकिन जहाँ देनी हो कोई ताकत या देना हो कोई अधिकार महिलाओं को, तो कहो नहीं साहब शरीयत एक्ट है, अब तो शरीयत एक्ट से चलेंगे। ये दोगलापन नहीं चलेगा। अब सबको पता चल गया है कि असलियत क्या है। जय हिंद, वंदे मातरम।